हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्निकल प्रीशा चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओडिशा का मलकानगिरी जिला कभी माओवादियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब ये तरक्की और विकास की नई कहानी लिख रहा है। इसे मुख्य तौर पर बांग्लादेशी रिफ्यूजियों का घर कहा जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था अब कृषि के अलावा उद्योगों की ओर बढ़ने लगी है, जो इस जिले की प्रगति की नई पहचान बन रही है। मलकानगिरी के इतिहास की बात करें तो ये जिला ज्यादा पुराना नहीं है। इसे उड़ीसा के नवगठित जिलों में गिना जाता है। साल 1936 में ये राज्य गठन के दौरान कोरापुट जिले का ही हिस्सा था, जिसे बाद में 1962 में एक उपमंडल और फिर 2 अक्टूबर 1992 को इसे स्वतंत्र जिले की पहचान मिली। वर्तमान में ये जिला 7 तहसील 7 ब्लॉक, 1 सब डिवीजन, 2 विधानसभा, 111 ग्राम पंचायत और 1045 गांवों में बटा हुआ है, जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कोरापुट जिले से। मलकानगिरी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय मलकानगिरी नगरपालिका शहर है, जो कुल 5791 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं यहां की करंट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 8,09,414 है। इस जिले में 48.54% लोग ही साक्षर हैं, जो राष्ट्रीय औसत से बेहद कम है। हालांकि यहां का सेक्स रेशो काफी अच्छा है। यहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। यहां की प्रमुख स्थानीय भाषा उड़िया है। इसके अलावा यहाँ कोवा, कोवी और कुतौब बोली जाती है। वहीं यहाँ कुटमपली नदी, सिलेरू नदी और सबरी नदी मलकानगिरी जिले की धरती को स्पर्श करती है। मलकानगिरी की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, जो खेती कर अपनी आजीविका चलाती है। यहाँ मुख्य तौर पर धान, मक्का और मूंगफली की खेती होती है, जिसका व्यापार भी बड़े पैमाने पर होता है। इसके अलावा यहाँ टीन, लाइम सोडा, ब्लैक ग्रेनाइट के मध्यम और लघु उद्योग भी हैं, जो धीरे धीरे अच्छा विकास कर रहे हैं। मलकानगिरी जिला आदिवासियों का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ बोंडा, गदाबा, कोंध और कोया जनजातियों के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोगों द्वारा अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ शिवरात्रि, होली, रथ यात्रा, हरिचंद्र बाबा उत्सव, नारायण उत्सव, अष्टप्रहरी यज्ञ, बड़ा यात्रा, बाली यात्रा, चैत्र पर्व और माल्यबंटा महोत्सव प्रमुख रूप से मनाया जाता है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर गौर करें तो इस जिले की खूबसूरती पर्यटकों का मन मोह लेती है। यहाँ का अधिकांश क्षेत्र प्राकृतिक आकर्षणों से घिरा हुआ है। यहाँ आप बाली मेला बांध, अम्मा कुंड जलप्रपात, सतीगुड़ा बांध, भैरवी मंदिर, बोंडा हिल्स, तारणी मंदिर, गोई हिल, चित्रकोंडा बांध, सीता कुंड, मलिकेश्वर मंदिर, मौली माँ मंदिर, एक गुड़ी जलप्रपात, डेकरा जोड़ी जलप्रपात एवं मान्यम कोंडा जैसे फेमस पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहां प्राकृतिक सुंदरता से भरे मनोरम दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। अब अगर आप यहां घूमने का मन बना रहे हैं तो आप यहां हवाई, सड़क या रेल तीनों मार्ग से यहां आ सकते हैं। यहां का निकटतम हवाई अड्डा विशाखापट्टनम में स्थित है, जो मलकानगिरी से 285 किलोमीटर दूर है। रेल सेवा के लिए आप जगदलपुर और कोरापुट रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो नेशनल हाईवे 326 की मदद से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां का परिवहन कोड OD30 है, जो आपको यहां की अधिकतर वाहनों की नंबर प्लेट पर लिखा दिख जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।